कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनके राजधानी का नाम था अवंती और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़े ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्त चोरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्व बासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्व बासु के सामने विनती करने लगे कि वे उन्हें देव पूजा की स्थान दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्व वासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्व वासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर, कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध कर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़े ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तब वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि वे पूरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें पूरी के समुद्र तट में सच में एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के दारू को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्व वासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब देवताओं के शिल्पीकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर, कि वे भगवान विष्णु के मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने ये सभी शर्त मान लिया। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए। उन्होंने